हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक मेल इनफर्टिलिटी का स्पेशलिस्ट हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं होम रेमेडीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है, प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन वो कंडीशन है जिसमें फीमेल पार्टनर के सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन होने के पहले अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1.5 मिनट्स के अंदर ही मेल पार्टनर को इजैक्युलेशन हो जाता है। ऑलराइट, अब ये चीज है ना, अपने कंट्री में बहुत कॉमन है। इनफैक्ट जब हम फर्टिलिटी के पेशेंट्स देखते हैं, जब हम पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 100 में से 20% मेल्स हमको ये बताते हैं कि दे हैव सम फॉर्म ऑफ प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन। मैं एक चीज एकदम क्लियर कट बताता हूं, प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन अगर आपको है तो आपको जरूर आपके डॉक्टर के पास जाना है। ओके, इस चीज को लेके इट इज अ ट्रीटेबल कंडीशन। ये चीज एक कंप्लीटली ट्रीटेबल प्रॉब्लम है और इसके मेडिकेशंस अवेलेबल है। ओके, कॉमन, एकदम कॉमन जो हम मेडिकेशन यूज करते हैं इस चीज के लिए, उसका नाम है डेपॉक्सिटिन। बट ये हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ओनली डिस्कस ऐसे क्या होम रेमेडीज है, What are the things which you can try at home, जिससे आपका premature ejaculation थोड़ा सा कम हो सके। ओके? अब प्लीज एक पॉइंट समझिए, जब कभी भी आप इंटरकोर्स करते हो, मतलब अगर मैं इसको वजाइना से ड्रॉ करता हूं, ऐसा जो मेल पार्टनर रहता है उनका पीनिस वजाइना के अंदर रहता है, करेक्ट। अब ये वजाइनल ड्राइनेस के वजह से काफी बार देयर इज प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन, क्योंकि पेनिस का जो टिप है, ग्लैंड्स पेनिस, उस पे काफी इरिटेशन रहता है। ओके, सो यू मस्ट यूज, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट हैव गुड लुब्रिकेशन। अगर गुड लुब्रिकेशन का आप बात करें, सो वन ऑफ द थिंग्स टू हैव गुड लुब्रिकेशन इज टू हैव मोर फोरप्ले, इंक्रीज योर फोरप्ले। एंड सेकेंड जो चीज है, अगर आपको उससे भी नहीं होता है तो यू कैन यूज एनी फॉर्म ऑफ ऑयल। अपने कंट्री में द कॉमनेस्ट थिंग विच इज अप्लाइड इज कोकोनट ऑयल। ऑलराइट, ये चीज से अगर आप वजाइना में ये ऑयल अप्लाई करते हैं, या आपके पीनिस के टिप पे फॉर दैट मैटर अगर ऑयल अप्लाई करके रखते हैं, तो आपका फोरस्किन अच्छे से रिट्रैक्ट होता है एंड इट हेल्प्स यू इन हैविंग अ गुड लुब्रिकेशन। अच्छे लुब्रिकेशन होने की वजह से काफी बार प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन कम हो जाता है। ओके, सेकेंड, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है तो यू कैन ट्राई टू डू दिस, यू कैन ट्राई टू मास्टरबेट अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 hours प्रायर टू इंटरकोर्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये करते हो तो क्या होगा, सेकेंड टाइम इरेक्शन का सेंसेशन लंबा रहेगा एंड इजैक्युलेशन करने के लिए भी आपको टाइम मिलेगा। ओके, ये मैंडेटरी चीज है। काफी बार आजकल हमारे जमाने में क्या होता है, पब्लिक इंटरकोर्स बहुत कम करते हैं, सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी महीने में 2 बार, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार। ये खुद रिड्यूस सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी, ये खुद प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन का एक कारण है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी को अगर आप डिफाइन करें तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि यू कैन हैव इंटरकोर्स 2 to 3 times per week। अगर आप 2 to 3 times per week इंटरकोर्स मेंटेन कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक आपका प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन थोड़ा सा डेफिनेटली कम होता है। ओके, और एक चीज है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ट्राई कर सकते हो, ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर तो भी मैं आपको मेंशन करके दे रहा हूं, एंड दैट इज, जब कभी भी आपको इजैक्युलेशन का सेंसेशन आता है, ओके, यू मस्ट ट्राई टू स्टॉप। दैट मींस यू कैन जस्ट यूज अ टेक्निक कॉल्ड एज पुल बैक। जब भी आपको इजैक्युलेशन का सेंसेशन आता है, आप पीनिस को हाथ से पकड़ सकते हैं और यू कैन ब्रीथ डीपली एंड पुल द पीनिस आउट। इससे इरेक्शन भी मेंटेन होएगा और इमीडिएट प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन भी आपको नहीं होएगा। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट टू डू इनिशियली, बट अगर आपको इस चीज का प्रॉब्लम है देन यू कैन ट्राई डूइंग दिस, जिससे आपका प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन डेफिनेटली कम होगा। ओके, ये पूरी रेमेडीज है प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन की फॉर द मेल पार्टनर, राइट। अगर हम फीमेल पार्टनर की बात करें, अगर हम फीमेल पार्टनर्स का इनेबिलिटी की बात करें, तो एक चीज है जिसमें हम उसको बोलते हैं वजाइनिस्मस। वजाइनिस्मस मतलब सेक्स करने के टाइम पे फीमेल्स बहुत टाइट रहती है। ओके, इंक्रीज टाइटनेस, जस्ट लेट मी टेल दैट, अगर आपके वजाइना बहुत टाइट है देन यू कैन यूज सिंपल एक्सरसाइजेस ऑफ द पेल्विस, यू कैन यूज डायलेटर्स, जिससे आपका वजाइनल टाइटनेस कम हो जाए।
ये भी एक कारण है जिसके वजह से काफी सारे मेल पार्टनर्स को प्रीमेच्योर इजैक्युलेशन होता है। जैसे कि मैंने समझाया, ये सारी चीजें है ना होम रेमेडीज है। हम और एक चीज रेकमेंड करते हैं लोगों को, इज टू वेयर कॉन्डम्स। देखिए, जब आप कॉन्डम्स यूज करते हो ना, तब डेफिनेटली सेंसेशन इज रिड्यूस्ड। जब भी सेंसेशन कम हो जाता है, तभी आपका टाइम टू इजैक्युलेशन बढ़ जाता है। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने मेंशन किया हुआ है, ऑल आर होम रेमेडीज। ये शायद काम करेगी, शायद काम नहीं करेगी। दवाई के साथ में आप इनको यूज कर सकते हैं, पर प्लीज अगर आपको प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन है इस चीज के वजह से, देयर इज अ लॉट ऑफ मैराइटल डिस्टर्बेंस। ये हम काफी बार देखते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ मैराइटल डिस्टर्बेंस इस चीज के वजह से, ओके, ऐसा आपके रिलेशनशिप में मत होने दीजिए। प्लीज गो टू योर डॉक्टर, बिकॉज रिमेंबर दिस इज अ कंप्लीटली ट्रीटेबल कंडीशन। दवाई देने से बहुत सारे, मोर देन 80% ऑफ द मेल्स आर गोइंग टू हैव फिनोमिनल बेनिफिट इस चीज से, ओके। ये चीज की वजह से काफी सारे मेल पार्टनर्स को एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी होता है। ऐसे सिचुएशन में प्लीज आपके डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, ओके। एनी गुड डॉक्टर जो मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है, आपके घर के नजदीक है, घर से दूर है, वॉट एवर इट इज, प्लीज गो एंड कंसल्ट। बट रिमेंबर दिस इज ट्रीटेबल। ये जो मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है, दीज आर होम रेमेडीज, यू कैन ट्राई, एंड आई एम श्योर, क्योंकि ये होम रेमेडीज भी मोर देन 50% पेशेंट्स को तो वैसे ही बेनिफिट कर देती है। तो आई एम श्योर इफ यू फॉलो इट नाइसली, इट विल हेल्प यू एज वेल। और कोई भी क्वेश्चंस, एनी फर्दर क्वेश्चंस, आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको पूरी कोशिश करेंगे आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच।